Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is Jerusalem's Al-Aqsa Mosque. And it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of international relation. See why it is in news. Recently tension flared up hui hai again kahan pe? Jerusalem ke Al-Aqsa Mosque mein, aur kahan, kiske beech mein? Palestinians aur Israeli police ke beech mein. Decade ke time se jo hai, ye jo site hai Jerusalem ki old city, yahan pe flashpoint hote ja rahe hain, ya fir hum kahein violence hota ja raha hai Palestine aur Israeli forces ke beech mein, aur jo hardline groups hain, aur ya fir kahein jo heart of competing for historical claim hai, uski wajah se. ये जो recurring clashes हैं, ये part है इसराइली पैलेस्टाइन conflict का. ये जो है इसराइल और पैलेस्टीन की location है, आप video को pause करके देख सकते हो map में. क्या है अल-अक्सा mosque और उससे जुड़े हुए conflict? अल-अक्सा mosque एक जेरूसलम का most recognized monument है. ये site जो है वो part है all city of Jerusalem का, sacred to Christians, Jews and Muslims. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ने classify किया था all city of Jerusalem को और उसकी wall को as a heritage, world heritage site. ये जो mosque का complex है, ये reason है conflict का between Israel and पैलेस्टीन, या फिर कहे इज़राइल, इस्लाम एंड जुदाइज़म. जो अल-अक्सा मॉस्क है, वन ऑफ द इस्लाम्स मोस्ट रेवर्ड लोकेशन है, और टेंपल माउंट इज द होलीएस्ट साइट इन द जुदाइज़म. जो टेंपल माउंट है उसको इज अ वॉल्ड कंपाउंड इनसाइड द ओल्ड सिटी इन द जेरूसलम. और ये जो है ये साइट है दो स्ट्रक्चर की, जो डॉम ऑफ द रॉक है नॉर्थ के साइड पे और अल-अक्सा मॉस्क है साउथ की साइड पे. और जो साउथ वेस्ट है टेंपल माउंट का, दैट इज द वेस्टर्न वॉल और एक रेमिनेंट ऑफ द सेकेंड टेम्पल एंड द होलीएस्ट साइट इन जुदाइज़म. इस्लाम में जो डॉम ऑफ द रॉक है वो 7th सेंचुरी स्ट्रक्चर है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इस्लामिक श्रीन है जिसको माना जाता है प्रोफेट मोहम्मद ने असेंड किया था हेवन को यहाँ पे. मॉडर्न बॉर्डर से पहले जो ड्रॉप किए गए थे रीजन में, पिलिग्रम्स टू मुस्लिम होली सिटीज़ ऑफ मक्का एंड मदीना वुड स्टॉप ओवर इन जेरूसलम टू प्रे एट दिस मॉस्क. और जुदाइज़म में ये माना जाता है कि ये वो साइट है जहाँ पर गॉड गैदर हुए थे डस्ट से टू क्रिएट अदाम. तो बाइबल के अकॉर्डिंग 1000 BC में किंग सोलोमन ने बिल्ड किया था पहला टेंपल ऑफ ज्यूज ऑन द माउंटेन, विच बेबीलोन ट्रूप्स टोर डाउन सम 400 ईयर्स ऑन द ऑर्डर्स ऑफ बेबीलोन किंग नेबुकदनेस्सर. 1st century BC में ज्यूज रिटर्न हुए थे फ्रॉम देयर बैनिशमेंट, और उन्होंने सेकेंड टेम्पल को बिल्डअप किया था. अब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लेते हैं ओवर जेरूसलम. जेरूसलम जो है वो सेंटर है इसराइली पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल 1947 यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान, जेरूसलम को प्रपोज किया गया था एज अ इंटरनेशनल सिटी. हाउएवर फर्स्ट अरब इसराइल वॉर ऑफ 1948 के टाइम पे इसराइली ने कैप्चर किया वेस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी, और जॉर्डन ने ईस्टर्न पार्ट लिया इंक्लूडिंग द ऑल सिटी दैट हाउसेज हराम अल अशरीफ. फॉलोइंग द सिक्स डे वॉर इन 1967, एक आम कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था इसराइल और कॉलिशन ऑफ अरब स्टेट्स प्राइमरली कंप्राइजिंग जॉर्डन, सीरिया एंड इजिप्ट, एंड वक्त ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जॉर्डन, जिन्होंने हेल्ड किया था कंट्रोल ऑफ अल-अक्सा मॉस्क, और जिसके बाद जो है इसको मॉस्क को सीज कर लिया था. इसराइल ने कैप्चर किया था ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम द जॉर्डन इन द सिक्स डे वॉर ऑफ 1967, और उसको एनेक्स किया लेटर. एनेक्सेशन के बाद से इसराइल अपना सेटलमेंट को एक्सपांड करता जा रहा है ईस्ट जेरूसलम में. इसराइल जो है वो होल सिटी को यूनिफाइड इटर्नल कैपिटल देखता है, जबकि पैलेस्टाइन लीडर्स जो है इसको पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के थ्रू इसको मेंटेन करना चाहते हैं कि वो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉर फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट्स अनलेस ईस्ट जेरूसलम इज इन इट्स कैपिटल. वे फॉरवर्ड की बात करें तो वर्ल्ड को एक साथ आके पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यू नो फाइटिंग और जो है काफ़ी हार्म पहुंचाने से अच्छा है एक बैलेंस अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, सो दैट फेवरेबल रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके अरब कंट्रीज़ के द्वारा एंड इसराइल के द्वारा. ओके, जो रीसेंट नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है बिटवीन इसराइल एंड UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को, जिसको अब्राहम अकॉर्ड भी कहा जाता है, वो एक राइट स्टेप है राइट डायरेक्शन में. सारे रीजनल पावर्स को जो है पीस मेंटेन करने की ज़रूरत है.
So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.